न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। अब बात करते हैं मऊगंज की, जहां भाजपा विधायक द्वारा केवट परिवार और शासकीय शराब दुकान के कारोबारियों के बीच हुई मारपीट के बाद अपने धरने के दौरान ही शराब दुकान को बंद करवाया गया है। दुकान खुलवाने को लेकर पेशो पेश में आबकारी विभाग के जिम्मेदार, आबकारी विभाग की माने तो शासकीय शराब दुकान बंद होने की खबर मिली है, किंतु वह विधायक द्वारा दुकान बंद करवाए जाने को लेकर बचते रहे और कहा कि किसने बंद और क्यों बंद कराई है इसकी जानकारी नहीं लगी है, लेकिन इतना तो तय है कि विधायक के द्वारा 5 घंटे से शासकीय शराब की दुकान बंद करवाना सीधे तौर पर सत्ता का दुरुपयोग, शासन के राजस्व को क्षति पहुँचाने वाला कदम है। सर, आज मऊगंज में शराब की दुकान बंद है, क्या है मामला? मुझे भी फ़ोन से पता चला है अभी कि शराब की दुकान किसी कारण से बंद हुई है, और हम किसी दूसरे कारण से कलेक्टर महोदय के निर्देश से मदिरा नष्टीकरण के संबंध में हम लोग तहसील कार्यालय मऊगंज में उपस्थित थे, तो अभी पता चला है, तो इसके बारे में हम अभी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं, हम भी मटर जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये अभी विधायक जी धरने पे बैठे थे, इससे जोड़ के देखा जा रहा है मामले को, विधायक जी ने बंद कराया, क्या कुछ अब ये होता है? नहीं, अब ऐसा मुझे तो नहीं पता है, अभी मुझे पता करवाना पड़ेगा, देखता हूँ मैं, है ना, ये सब अभी तो नहीं पता मुझे। क्या विधायक जी के अधिकार क्षेत्र में ऐसी बातें आ सकती हैं? कैसी? शराब की दुकान बंद कराने जैसी? सर, आपकी दुकानें कोई फोर्सफुली बंद नहीं करा सकता है, उसका एक प्रॉपर टाइम होता है, उस टाइम पे खुलती है, उस टाइम पे बंद होती है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो देखते हैं जानकारी। नियम विरुद्ध संचालन या गतिविधियाँ प्रभावित होना, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जैसे कि सर, आपकी दुकान जैसे अभी बंद है जी, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? अब जिम्मेदारी तो ये जानकारी पूरी लेने के बाद ही पता चलेगा कि किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी इसकी।